हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एक न्यू चैप्टर के ऊपर होगा जिसका नाम है इंडियास फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो सबसे पहले ट्रेड का मतलब होता है कुछ भी चीज़ को बेचना या फिर खरीदना, उसे हम ट्रेड कहते हैं। अब ट्रेड क्या आगे आ गया, फॉरेन मतलब हम बाहर की कंट्री के साथ कैसे सामान को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, उसका मतलब होता है फॉरेन ट्रेड। अब इसके आगे आ गया इंडिया, मतलब इंडिया का मतलब इंडिया कैसे बाहर की कंट्री से सर्विस या गुड्स को खरीदता है, वो बेचता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया फॉरेन ट्रेड के बारे में मतलब हम इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड मतलब बाहर की कंट्री के साथ बाइंग और सेलिंग कैसा है, ठीक है। तो वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं आप सभी के साथ और एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। देखो, जब आपकी कंट्री, सपोज करना आप इंडिया में रहते हो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, या फिर आप कोई भी कंट्री में रहते होंगे, तो आपकी कंट्री जब अदर कंट्रीज मतलब आपकी कंट्री को छोड़ के बाकी और जितनी भी कंट्रीज है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आपकी कंट्री कोई और कंट्री को अपना सामान सेल करती है, बेचती है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट करना कहते हैं, ठीक है। जब आपकी कंट्री कोई और कंट्री को अपना सामान बेचती है उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और अब जब कोई और कंट्री जब आपकी कंट्री को जब कोई और कंट्री जब आपकी कंट्री को सामान बेचती है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, जब आपकी कंट्री कोई और कंट्री से सामान खरीदती है, परचेज करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्पोर्ट करना कहते हैं, ठीक है। तो ये जब कोई और कंट्री कोई और अपना सामान बेचती है, या जब आपकी कंट्री अपना सामान कोई और कंट्री से खरीदती है, तो ये सब कहलाता है फॉरेन ट्रेड। तो ये एक ओवरऑल मैंने व्यू दिया है, ठीक है। अब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसलिए बताया गया कि ये चैप्टर में आपको आगे जाके काम आने वाले टर्म्स, राइट। तो इसके लिए अभी मैंने आपको ये चीज बताया। अब देखो, हर कंट्री, आज तो वैसे इंट्रोडक्शन है तो आज मैं बहुत कम चीजें बताऊंगा। देखो, कोई भी कंट्री के पास अपना एक प्रोडक्ट होता है जिसमें वो बहुत अच्छा होता है। जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा टी अवेलेबल है, ठीक है, सबसे ज्यादा टी अवेलेबल है, और इंडिया को टी बनाने के लिए खर्चा भी बहुत कम आता है, ठीक है। तो इंडिया क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा टी बनाता है। वैसे पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो पाकिस्तान में ड्राई फ्रूट्स क्या है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, और पाकिस्तान को ड्राई फ्रूट बनाने के लिए खर्चा, कॉस्ट मतलब खर्चा भी कम होता है। वैसे यूएसए में कॉर्न जो है बहुत अवेलेबल है, और कॉर्न को बनाने के लिए यूएसए को बहुत कम पैसा देना पड़ता है, या बहुत कम खर्चा आता है। तो हर कंट्री अपने अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होते हैं। जैसे इंडिया टी में है, पाकिस्तान ड्राई फ्रूट्स में, यूएसए कॉर्न में, ऐसी जैसे दुबई पेट्रोल में है, ठीक है। ऐसी बहुत सारा मैंने एग्जाम्पल में सिर्फ थ्री लिया है, ठीक है, तीन एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ। हर कंट्री क्या करती है, सरप्लस अमाउंट में अपना प्रोडक्ट बनाती है जिसमें वो स्पेशलाइज होती है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब डोमेस्टिक कंजम्पशन का मतलब होता है जब एक कंट्री के अंदर के सिटीजन मतलब जो भी कंट्री में पीपल है, वो पीपल कितना उस प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज करते हैं, उसे हम डोमेस्टिक कंजम्पशन कहते हैं। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, मान लो कि इंडिया में सिर्फ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, कम एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आपको अच्छा समझ में आएगा। मान लो कि इंडिया में सिर्फ दो पीपल है, ठीक है, इंडिया की सिर्फ पॉपुलेशन है दो पीपल, सिर्फ यहाँ पे दो पीपल रहते हैं इंडिया में, ठीक है। अब तो इंडिया क्या करता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब अगर मैं इंडिया क्या है, टी में सबसे ज्यादा इंडिया को सबसे ज्यादा टी अवेलेबल है और उन्हें खर्चा भी कम होता है, तो इंडिया का क्या करती है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब जो भी कंट्री अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइज है, तो वो क्या करती है, अपना प्रोडक्शन जितने लोग है उससे ज्यादा बनाती है। मतलब मान लो अगर मैं इंडिया का एग्जाम्पल लूँ, तो इंडिया क्या करेगा, टी का चार डब्बा बनाएगा, 1, 2, 3, 4, और लेकिन इंडिया में लोग कितना है, सिर्फ दो लोग हैं, तो कंट्री ने और चार डब्बे बनाए टी के। अब ये कंट्री करती क्या है, देखो, एक डब्बा इसको दे देगी टी का, एक डब्बा इसको दे देगी। अब कंट्री के पास दो डब्बे एक्स्ट्रा में है, तो कंट्री क्या करती है, कोई भी कंट्री क्या करती है, जो भी प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होती है, तो वो क्या करती है,
उसका प्रोडक्शन जितने भी कंट्री में लोग हैं उससे हमेशा ज्यादा बनाती है। जैसे कंट्री में सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन इंडिया क्या कर रही है, टी के 4 डब्बे बना रही है, एक डब्बा इसके लिए, एक डब्बा इसके लिए, लेकिन 2 डब्बा एक्स्ट्रा है, इसका क्या होगा? देखो ये जो 2 डब्बे जो एक्स्ट्रा है ना, ये कोई भी कंट्रीज क्या करती है, इस डब्बे को वो क्या कर देती है, एक्सपोर्ट कर देती है। एक्सपोर्ट करना मतलब होता है आपकी कंट्री के पास जो भी सबसे ज्यादा है वो क्या करती है, आप क्या करते हो, उस चीज को बाहर की कंट्री में भेज देते हो। तो इंडिया भी क्या करती है, जितने लोग हैं उनको उतना सामान तो देगी, लेकिन जो सामान वो एक्स्ट्रा में वो सामान को क्या कर देती है, बाहर की कंट्री को सेल कर देती है, बेच देती है, एक्सपोर्ट कर देती है। अब बताओ, जब आप कोई भी कंट्री को सेल करोगे सामान अपना, बेचोगे, तो बाकी कंट्री क्या करेगी, आपको पैसा देगी, आपको क्या करेगी, पैसा देगी। तो आपकी कंट्री में पैसा आ रहा है तो ये अच्छी बात होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हो, मतलब जब आप कोई और कंट्री आपको सामान देती है, आप देती है तो आपके पास सामान आ रहा है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी कंट्री को पैसा देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी कंट्री का जो पैसा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि कोई भी कंट्री को इम्पोर्ट कम से कम करना चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो सरप्लस का मतलब यही है, हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, और हमारे जितने भी कंट्री के कोई भी लोग हैं, जितने लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, उससे ज्यादा क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। तो एक बार नोट कर लेना, ठीक है। तो बच्चों, अब हम अगली लेक्चर्स में फॉरेन ट्रेड के और क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर्स में मैंने जो आपके साथ इंट्रोडक्शन शेयर किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आपको ये सारे टर्म्स जो है इसका यूजफुल होने वाला है, सरप्लस का होने वाला है, ये सारी चीजों का जो भी आज मैंने बताया इसका यूजफुल होगा। तो होपफुली मैं आप सभी से अगली लेक्चर्स में मिलता हूँ। चलिए, बाय, एंजॉय, टेक केयर, एंड चीयर्स।